हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम व्याख्याता भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ ले जाने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, कौन कौन से शपथ पत्र, ये सब आपको RPSC में ले जाने हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शीघ्र ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV का कार्य शुरू होने जा रहा है। सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी ओर से, मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई या शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आपका अंतिम चयन भी जरूर हो और आप सफलता प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरी एक लिस्ट है जो आप जो सभी डॉक्यूमेंट्स की हैं जो आपको DV के समय ले जाना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास 10th की अंक तालिका की, और उसके साथ उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, और 2001 से लेकर 2008 या 6 तक जो भी 10th की थी उन्होंने, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 10th की मार्कशीट के साथ ही है। तो उनको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब सर ये प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं। तो कोई मार्कशीट में प्रमाण पत्र साथ में है तो आप चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो साथ में माना जाएगा। ओके, सेकेंड है, अगला है 12th की मार्कशीट और 12th का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट BA, BSc, BCom की तीनों मार्कशीट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको वहाँ पर साथ में ले जानी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर डिग्री, यानी BA, BSc, BCom की क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अंक तालिका स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, यानी MA, MSc, MCom की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीट और उसकी डिग्री लगानी है आपको। फिर है BEd और BEd की डिग्री। नेक्स्ट है अन्य कोई डिग्री या डिप्लोमा, जैसे अन्य विषय से MA कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा, जैसे RSCIT, यहाँ पर RSCIT जो है उसका आपको मार्कशीट और जेरोक्स करानी है, ठीक है। और अगर कोई आपने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अगर खेल प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है तो वो भी लगाएं। फिर आ जाएगा आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल होना चाहिए, वो हाथ से लिखा हुआ पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो आप ज़रूर बनवा ले वापस नया। ओके, और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र नवीनतम। नवीनतम का अर्थ होता है 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बाद, 6 महीने से के अंदर अंदर का होना चाहिए, पुराना मान्य नहीं है। ओके, फिर आ जाएगा आय प्रमाण पत्र बनाना है आपको, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की घोषणा करनी है कि आपके पिताजी की, पिताजी के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनेगा, अपने नाम पर नहीं बनाए। कोई अभ्यर्थी ऐसा भी है कि उसके तो माता पिता नहीं है, खुद अकेला रहता है, तो किसके ऊपर आय प्रमाण पत्र बनाए, तो वो स्वयं पर बनाए। ओके, फिर है नेक्स्ट विवाह पंजीयन। विवाह पंजीयन, अगर कोई विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र साथ में ले जाए, और यदि अविवाहित है तो शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यदि विवाहित हो तो दे या तो, लेकिन ये देखो अविवाहित हो तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। संतान संबंधी, यानी कितनी संतान है आपको, वो आप शपथ पत्र लगाएं। सब 50-50 रुपए का शपथ पत्र, ये ध्यान दें। चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2, यानी 2 जो वो 2-2 रुपए के छोटे जो चरित्र प्रमाण पत्र आते हैं वो आपको ले जाने हैं, जिस पर 2 लेक्चरर प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराने हैं जो आपको जानते हैं, ठीक है। और अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है।
ओके फ्रेंड्स, यानी आपने जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से अंतिम शैक्षणिक योग्यता हासिल की है, रेगुलर, वो भी हो प्राइवेट नहीं, रेगुलर जहां से आपने की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लाना है और उसकी कॉपी लगानी है। फिर आवेदन पत्र जो आरपीएससी द्वारा है, आईडी कार्ड साथ में ले जाना है और कोई भी, और फोटोकॉपी करा लेनी है इसकी, और पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 10 की जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन एक्स्ट्रा रखें आप। फिर अन्य वर्ग से शामिल अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जैसे विकलांग, विडो और भी परित्यक्ता, तो उनके जो प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर शपथ पत्र लगाए, ये ऑप्शन है, ध्यान रखें। ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे आपके पास कोई बीए की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री नहीं है, एमए की डिग्री नहीं है, तो प्रोविजनल चल जाएगा। पहली बात तो प्रोविजनल भी नहीं है तो शपथ पत्र लगाएं। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान रखने योग्य बात है, अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों में स्वयं नाम का, खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक से संबंधित अगर कोई भिन्नता हो तो आप समय रहते उनको सही करवा ले, वरना काउंसलिंग के समय इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th में अलग नाम दिख रहा है, स्पेलिंग में कुछ गलती आ रही है, 12th में अलग आ रही है, पिता के नाम, माता के नाम, तो ये जो स्पेलिंग है आप या तो सही करवा ले, या इसके ऊपर भी आप क्या लगा सकते हो, शपथ पत्र लगा सकते हो। ओके, शपथ पत्र से ये मान्य हो जाएगा, अगर आप सही करा सकते हो तो करा लो, ठीक है। अभी तो डीवी का टाइम बहुत कम नज़दीक है तो आपसे होगा नहीं, तो आप तो अभी तो होती है गलती, अभ्यर्थियों के मिसप्रिंट खूब सारे होते हैं मार्कशीटों में, तो आप शपथ पत्र लगाएं, जितने भी मिस्टेक हैं, जिन नाम में भी, खुद के नाम का अगर है तो शपथ पत्र, पिता के नाम का है तो शपथ पत्र, ये सब लागू होगा। ओके फ्रेंड्स, और कोई न्यूज़ होगी अब फर्स्ट ग्रेड 2018 से रिलेटेड तो मैं अपने वीडियो में ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा, और जो विस्तृत आवेदन पत्र हैं उसको भी मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊंगा, कैसे भरा जाता है, कौन कौन सी जानकारी लिखी जाती हैं, ये सब बातें मैं आपको मेरे वीडियो में ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।